सब्सक्राइब करें रुमानास टेस्टी वर्ल्ड को और बेल आइकन को दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का वीडियो है भेटकी फिश फ्राई को लेकर। यहाँ मैंने भेटकी फिश लिया है, इसको एशियन सी बास भी कहा जाता है। ये मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा है। ये तकरीबन 700 ग्राम्स की ही होगी। इसे मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। अब ये बहुत ही अच्छे से क्लीन है और कोई फिशी स्मेल भी नहीं आ रही। एक पूरा फिश ही ख़रीदा था मैंने, तो इसका जो नीचे का पोर्शन है और सिर का पोर्शन है उसे हटा के जो मिडिल पोर्शन है उसको मैंने 5 पीसेस में काट लिया है और पीसेस मैंने थोड़ा मोटा ही रखा है। तो पहले मैं इसे मैरिनेट करूँगी 1 टीस्पून लेमन जूस के साथ। अच्छे से लेमन जूस के साथ जो है इसे मिला देंगे। और इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। ऐसे ही 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसे मैरिनेट करेंगे। यहाँ मैंने लिया है हल्दी, ये 1/2 टीस्पून है, इसे मिला देंगे। यहाँ मैंने लिया है 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए है। थोड़ा बहुत फ्लेवर ऐड होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो इसे मिला देंगे। फ्लेवर के लिए मिलाएंगे कूटा हुआ गोल मरीच, ये भी 1/2 टीस्पून है। इसमें नमक हम थोड़ा सोचकर ही मिलाएंगे, क्योंकि पहले से ये यहाँ पर लेमन जूस मिलाया हुआ है। बहुत ज़्यादा अगर नमक का इस्तेमाल होगा तो ये सॉल्टी हो जाएगा। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून बेसन लिया है, वो भी मिला देंगे और थोड़ा सा तेल मिलाएंगे, ये रिफाइंड ऑयल है। मसालों के साथ अच्छे से मिलाएंगे। बहुत ही अच्छे से इसे मैंने मैरिनेट कर दिया है मसालों के साथ। दोबारा से इसे 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ऐसे ही। 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसे फ्राई करेंगे। पैन को गरम कर लिया है, अब इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तेल को अच्छे से फैला लेंगे चारों ओर। अभी फिश को फ्राई करेंगे लो मीडियम हीट पर। एक साइड फ्राई होने तक हमें वेट करना है। अभी चम्मच नहीं डालना है क्योंकि ये टूट सकता है। बॉटम साइड फ्राई हुआ है कि नहीं हम चम्मच से अभी थोड़ा देख लेंगे। हाँ, हो गया है, क्योंकि ये अभी ये देखिए कहीं भी चिपका हुआ नहीं है। पैन से पलट देंगे थोड़ा। जब तक दूसरा साइड फ्राई हो रहा है तब तक यहाँ कुछ मसाले अभी बचा हुआ है, तो इसके ऊपर हम इवनली डाल देंगे। और इस साइड को हम दोबारा से फ्राई करेंगे। ये हिस्सा भी फ्राई हो गया है, हम देख लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए पलट देंगे सबको। मैंने इसके ऊपर मसाला लगाया था, तो इस पोर्शन को, इस साइड को हम दोबारा से फ्राई करेंगे। एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च और 2 लहसुन लिया है, ये डाल देंगे।
आप देख सकते हैं कि ये पीसेस हैं, इसका मिडिल पोर्शन थोड़ा सा थिक है, तो ये फ्राई भी हो अच्छे से और गल भी जाए, इसके लिए हम इसे अभी बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दो मिनट हो चुके हैं, अब देख लेंगे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से दोनों साइड फ्राई हो चुका है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। और भी अच्छे अच्छे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब इसे हम पैन से निकाल लेंगे। भेटकी फ्राई यानी कि एशियन सी बास फ्राई है बिल्कुल रेडी। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, दावा है आपको अच्छा लगेगा ही। तो देखते रहिए रुमानास टेस्टिवल, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।